नमस्ते, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे हम्मस। चलिए शुरू करते हैं। सामग्री: 100 ग्राम काबुली चना, 3 चम्मच सफेद तिल, 3 से 4 लहसुन की कलियां, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, 1 बड़ा चम्मच जैतून का तेल और 3 छोटे चम्मच नमक। एक बाउल में 100 ग्राम काबुली चना लें, 7 से 8 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। एक बाउल में 3 चम्मच सफेद तिल लें, इसे 1 से 2 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। 7 से 8 घंटे के बाद पानी निकाल दें और छोले को कुकर में डाल दें। पकाने के लिए पर्याप्त पानी डालें। 2 चम्मच नमक डालें। 1 सीटी आने दें और फिर धीमी आंच पर 30 से 35 मिनट तक पकाएं। उबले हुए चने को एक बाउल में निकाल लें। एक ग्राइंडिंग जार में भीगे हुए तिल डालें। 3 से 4 कटी हुई लहसुन की कलियां डालें। 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस डालें। 1 बड़ा चम्मच जैतून का तेल डालें। उबले हुए चने डालें। 1 छोटा चम्मच नमक डालें। और छोले उबालने के लिए इस्तेमाल किया हुआ पानी डालें। इन सबको पीसकर महीन पेस्ट बना लें। हम इसे इतना बारीक पीसना चाहते हैं। हम्मस बनकर तैयार है। आप इसे पीटा ब्रेड, चिप्स और सैंडविच के साथ परोस सकते हैं, या आप इसे डिप, स्प्रेड या चटनी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक और कमेंट करें।